नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पुराने फॉर्मूले से। नए चुनाव जीतने के आस में बीएसपी मुस्लिम दलित के साथ स्थानीय गठजोड़ को आधार बनाएगी बीएसपी। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही नगर निकाय चुनाव में उतरेगी बीएसपी। मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए पार्टी झोंक रही ताकत। इसी रणनीति से बीएसपी से लड़ा था विधायक चुनाव, तो फेल होने के बाद भी उसी रणनीति को दोहराने में बीएसपी जुटी है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता हासिल की थी बीएसपी। तो देखिए, निकाय चुनाव नजदीक है और इस निकाय चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरीके से इस निकाय चुनाव में जीत हासिल हो, और इसी के तहत बीएसपी एक बार फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के तहत निकाय चुनाव में उतरेगी। हालांकि मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी रणनीति से बीएसपी ने लड़ा था विधानसभा चुनाव। फेल होने के बाद भी उसी रणनीति को दोहराने में जुटी है बीएसपी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से निकाय चुनाव नजदीक है, इसको देखकर अगर पार्टियों पर नजर डाली जाए तो तमाम चिंतन मंथन और रणनीति पर चर्चा की जा रही है। अगर बीएसपी का जिक्र किया जाए, कहीं ना कहीं उसकी भी कोशिश यही है कि निकाय चुनाव में जीत हासिल हो, लेकिन जो रणनीति है वही पुरानी रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा वो सत्ता हासिल करना चाहती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बीएसपी की जो रणनीति है वो पुराने फार्मूले को लेकर के है। अगर बात की जाए कि जो 2007 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे, 2007 में जो है अब एक जीत हासिल की थी और बसपा ने अपनी सरकार बनाई थी, उस समय अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का नाम बदल करके ब्राह्मण समाज पार्टी कर दिया गया था। यानी कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को एक करके समाजवादी, माफ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी जो है आगे बढ़ी थी, और उसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो तर्ज पे अब मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और मुस्लिम वोटरों का जो पहला कैंडिडेट था उसी फार्मूले पे वो चलना चाह रही हैं। इसके साथ ही साथ में जो निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव में इंजीनियर को साथ में लेकर के निकाय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो मूल रूप की जो सुविधाएं हैं उन पे जो वर्क होना चाहिए, उन सुविधाओं से हट करके इंजीनियर पे आकर के अब चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। बसपा सुप्रीमो में आए होती तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार इससे पहले की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसी फार्मूले पे अगर बात करें तो फिर से एक बार पुराना चलने की कयास लगा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अगर कितना असर पड़ने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे जो उनकी रणनीतियां हैं वो पुराने फार्मूले पे आज भी काम करती नजर आ रही है। यानी कि जनता के बीच में जिस तरीके से सभी पार्टियां उतर करके जनता के बीच में उतर रही हैं और इस निकाय चुनाव को सेमीफाइनल समझ रही हैं, यानी कि आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव से बिल्कुल हट करके इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में जितनी सीटें मिलेंगी, जितनी बढ़त मिलेंगी, जितने प्रत्याशी मिलेंगे उन्हें, तो निश्चित तौर पर उससे उनकी बूथ लेवल पर मजबूती आएगी। तो उसी आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो और पार्टियां जिस तरीके से काम कर रही हैं कि धरातल पर उतर करके जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट ऐसे नजर नहीं आ रहे फिलहाल। और लेकिन वही फार्मूला पुराना फिर से स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना तो कितना लाभकारी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती की वही रणनीति फिर से लागू हो रही है जो कि 2023 की अगर बात कर लें, 2023 में निकाय चुनाव है, इसके साथ साथ में फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो ये एक बड़ी रणनीतियां होंगी। आगे आने वाले समय में कैसे काम करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, ये सबसे बड़ी अहम बात होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की अगर बात कर रहे हैं, दरअसल चुनाव लगातार जो है होने हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही साथ में सभी पार्टियां ने अपनी अपनी रणनीतियां पहले से तय कर रखी हैं कि आखिर कैसे जमीन पे उतर करके और अपने बूथ को मजबूत करेंगे, अपने वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो मुस्लिम के कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने पहली चाल चली थी उसी पहली चाल में ही उन्हें फेल साबित होना पड़ा। यानी कि अतीक की पत्नी को टिकट देने का पहले ही ऐलान कर दिया था जनवरी में ही, और जनवरी में जब उन्होंने वहां पहुंच करके मंच साझा किया था और वहां पे उनको सदस्यता ग्रहण कराई थी, तो लेकिन अब देखा जाए तो बैकफुट पर मायावती पहले ही आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रणनीतियां अपनी तय की थी बनाने के लिए और मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। और साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहती नजर आई कि आखिर अगर उनके ऊपर कोई आरोप तय होता है या उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी।
तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो की जो पहली चाल थी वही चाल जो है फेल होती नजर आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर मुस्लिम कैंडिडेट को कैसे अपनी तरफ जोड़ती हैं या मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ कैसे लुभा पाती हैं, जिस तरीके से दलितों के लिए लगातार प्रयास करती चली आ रही हैं, तो क्या एक कोई बड़ी रणनीति क्या मुस्लिम समाज के लिए भी करेंगी जो मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए।